एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना समर बेडशीट। तो कलेक्शन तो मैं नहीं बोलूंगी इसको, बट मैंने अभी कुछ बेडशीट्स नई मंगवाई है समर को ध्यान में रखते हुए। सो ये जितनी भी बेडशीट्स है ये मैंने अमेजन से मंगवाई है और मैंने खुद मंगवाई है, तो मैं आप लोगों के साथ में एक एक करके शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिटरली अभी तक ओपन भी नहीं करी है, मैंने सोचा था मैं सीधे कैमरे के सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडशीट से। सारे बेडशीट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो कुछ डेफिनेटली ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैं पहले से यूज करती आ रही हूँ, जिनको मैंने काफी वॉश कर लिया है एंड मेरे पुराने जो मेकओवर्स हैं उनमें मैंने मंगवा रखी है ऑनलाइन, तो उनका मुझे पता है कि ये कॉटन की जो है ये खराब नहीं होता और काफी लंबी चलती है, इनके प्रिंट्स नहीं फेड होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड जो मैंने नए ब्रांड्स ट्राई करे हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडशीट से। तो मेरा जो बेड का साइज है वो किंग साइज है, किंग साइज की बेडशीट मंगवाती हूँ यहाँ के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडशीट से। ये जो बेडशीट है ये है डिवाइन कासा के ब्रांड की और मुझे इसके कलर्स काफी अच्छे लगे। आप देखेंगे तो समरी कलर्स हैं काफी ज्यादा, है ना, और सब बिल्कुल लाइट बेस ही मैंने मंगवाया है। एज यू नो आई लव व्हाइट और समर्स में तो व्हाइट के अलावा कुछ और वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, आप देखोगे तो एकदम व्हाइट है और उसमें से ब्लू एंड ग्रीन कलर, मतलब इट्स वेरी सूदिंग टू आईज, आंखों को बहुत सूदिंग लगने वाला है। बट इसका फैब्रिक मुझे काफी पतला सा लग रहा है। सो दिस इज द बेडशीट, आई रियली लाइक इट। और कंपेरेटिवली जितने भी बेडशीट्स मंगवाई ना उनमें से सबसे सस्ती यही है और ज्योमेट्री प्रिंट्स हैं काफी अच्छी लग रही है, मतलब एकदम खिलती हुई लग रही है बहुत। और ये इसके कुशन कवर्स हैं, दीज आर द कुशन कवर्स, सेम प्रिंट के ही है, तो काफी अच्छी लग रही है मुझे ये वाली बेडशीट। एंड ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इनका जो ब्रांड है वो ट्राई किया है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये मैंने मंगवाई है फ्रॉम दी ब्रांड हॉज एंड किंडर। इनकी बेडशीट्स मेरा जो लास्ट भोपाल वाला मेकओवर था ना येलो कलर की, वो इसी ब्रांड की थी एंड अमेजिंग फैब्रिक, अमेजिंग क्वालिटी, कलर्स उसके बिल्कुल फेड नहीं होते, आप चाहे धूप में भी उसको सुखा दो तो भी कलर्स नहीं जाते, इतनी अच्छी क्वालिटी की बेडशीट है। तो बहुत प्यारे, जैसे कि आपको पता है मैं ऑरेंज कलर से बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, तो मैंने अगेन ये व्हाइट एंड बहुत ही प्यारा पीची एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है, मतलब लिटरली आप बिछाओगे ना तो बहुत अच्छी समर वाइब्स देगा एंड यू विल फील सो गुड। पिंकी पिंकी सा है, थोड़ा पिंक है, थोड़ा ऑरेंज है, सब तरीके के इसमें कलर्स हैं, बहुत पर्सनली पसंद आ रही है। इनका जो कॉटन होता है उसका फैब्रिक बहुत अमेजिंग होता है, वॉश करने के बाद ये और अच्छा होता जाता है, तो आई रियली लाइक इट। ये इसका पिलो कवर है। सो ये है मेरी सेकेंड बेडशीट एंड आई रियली लव इट। जैसी ये दिख रही थी स्क्रीन पे उसी तरीके की आई है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई एम श्योर काफी सारे लोग मुझसे पूछेंगे आपने कौन सा लिप शेड लगाया है, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, समथिंग जो आई थिंक हर फीमेल को, हर वेमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और पसंद आती है, मतलब आप फेस में कुछ भी मत लगाओ बट लिपस्टिक लगा लो तो आपका फेस रेडी हो जाता है। तो चलिए पहले इस लिपस्टिक के बारे में देख लेते हैं। ये जो लिपस्टिक लगाई है वो ये है मामाअर्थ का सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद जजोबा ऑयल एंड विटामिन ई। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। दिस इज द कलर जो मैंने अभी लगाया है, दिस इज 02। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैजेंडा पिंक कलर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है समर्स के लिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट है एंड बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई या ऐसे चैपी सा नहीं करता है, मतलब इट इज मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम ये मैट है, साथ ही साथ ये लॉन्ग स्टे, मतलब अभी लगाइए दिन भर चलेगी मेरे लिप्स पे। एज यू ऑल नो मैं हर बार बोलती हूँ मामाअर्थ की लिपस्टिक्स की मैं फैन हूँ, सो आई रियली लाइक द कलर, कलर पे ऑफ भी इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको बाकी के जो सारे कलर्स हैं वो बताती हूँ। इन जो लिपस्टिक्स हैं इनके जो की इंग्रेडिएंट है वो है जजोबा ऑयल एंड साथ ही साथ विटामिन ई। जजोबा ऑयल आपके लिप्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है और जो विटामिन ई है वो इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को। तो इन लिपस्टिक का जो स्टेइंग पावर है दैट इज 12 आवर स्टेइंग पावर। तो ये जो लिपस्टिक्स ये 12 घंटे तक स्टे करती है आपके लिप्स पे, वाटरप्रूफ है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, स्मच प्रूफ है, बहुत ही कंफर्टेबल है वियर करने में और बहुत ही इंटेंस कलर पे ऑफ है, मतलब मैंने ये बहुत लाइट लगाया है बट स्टिल इसका कलर पे ऑफ देखिए आप कितना अच्छा आया है। एंड साथ ही साथ ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। मेड सेफ सर्टिफाइड का मतलब अपने में ही एक प्रूफ है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये
टॉक्सिन फ्री एंड साथ ही साथ हार्मफुल केमिकल से फ्री है। तो ये जो लिपस्टिक्स है ये 9 कलर्स में अवेलेबल है। आप इसमें से एवरीडे न्यूड्स कलर चूज कर सकते हैं, डेलिकेट पिंक्स कलर चूज कर सकते हैं, फियरी रेड कलर चूज कर सकते हैं। तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स का मैं लिंक दे दूंगी, 100% ट्राई जरूर करिएगा मेरे रिकमेंडेशन पे, मुझे क्योंकि बहुत पसंद आई है ये। सो आपको मजा आ जाएगा, लिपस्टिक यूज करने में भी मजा आ जाएगा और जब आप इसका स्टे देखोगे ऑफिस वगैरह जाओगे तो आपको मजा आ ही जाएगा। तो स्क्रीन पर दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामा की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर। नो दैट मामा के जो प्रोडक्ट्स है ये अमेज़न, नायका और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। तो जब भी आप अपने नियर बाय कोई भी स्टोर में प्रोडक्ट देखें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप जब भी मामा का कोई भी प्रोडक्ट मामा की वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे, मामा विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेडशीट की तरफ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कलर है वो बहुत ही ऐसे प्यारा सा पिंक सा और उसमें चेरी ब्लॉसम टाइप के बने हुए हैं, मुझे ये काफी अच्छा लग रहा था और उसमें से स्मेल थोड़ी अजीब आ रही है। ये भी हॉर्स एंड किंडर की ही है तो डेफिनेटली क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए अच्छी है बट पता नहीं, आप मुझे बताओ आपको कैसी लग रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हल्का सा इसमें देखिए ऑफ पिंक ऑफ पिंक टाइप का कलर है और उसके ऊपर ऐसे पिंक एंड हल्के हल्के से ऐसे शेडी ऑफ रेड चेरी ब्लॉसम्स बने हुए हैं। तो लग तो काफी अच्छा रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी समर वाइब दे रहा है। समर क्या, विंटर में सब जगह आप इसको बिछा सकते हो डेफिनेटली। तो ये है बेडशीट, मुझे ऐसे वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं, वाइब्रेंट मतलब सटल एंड एट द सेम टाइम कलर्स पॉप करते रहे, वैसे अच्छा लगता है बेडरूम में बिछाना ताकि मूड भी अच्छा रहे और अच्छा अच्छा लगता रहे। सो यस, ये है इसका पिलो कवर, दिस इज द पिलो कवर। तो ये है मेरी नेक्स्ट बेडशीट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेडशीट, ये है फ्रॉम द ब्रांड अर्बन स्पेस से। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई थिंक इट लुक्स क्यूट, इट लुक्स वेरी क्यूट। हाँ मुझे ऐसा लगा था बहुत किडिश टाइप की तो नहीं लग रही, बट इट लुक्स रियली क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये वाइट है और उसके ऊपर आप देखोगे तो ऐसे ब्लू ऑरेंज डार्क ब्लू, बहुत अच्छा लग रहा है, आई रियली लाइक इट। मुझे बेडशीट भी बहुत अच्छी लगी, लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट, आई रियली लाइक इट। ऐसे रेनबो टाइप का इफेक्ट लगा, किंडर गार्डन वाली बेडशीट, जो बताओ किंडर गार्डन वाला इफेक्ट तो नहीं दे रहा है ना ये, बट मुझे लिटरली काफी अच्छी लगी। उसके बाद आते हैं लास्ट बेडशीट की तरफ, ये मुझे देखने में बहुत अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट जो बेडशीट है ये ऐसे ऑफ व्हाइट टाइप का कलर है, उसके ऊपर ऐसे बर्ड्स बनी हुई है, मतलब अच्छी लग रही है, नॉट बैड। सो दिस इज द बेडशीट, अगेन वही सेम पैटर्न बना हुआ है, आपको याद होगा ना वेकअप सिड में वो वॉल पे इस तरीके की डिजाइन बनाते हैं। तो दिस इज माय नेक्स्ट लास्ट बेडशीट। तो ये बेडशीट मैंने 2021 में मंगवाई थी फ्रॉम हॉर्स एंड किंडर, मुझे इसके जब जब भी मैं इसको बिछाती हूँ, इंस्टाग्राम पे कभी कुछ डाला है या कहीं पे भी कुछ डाला है तो हमेशा आई गेट दिस क्वेश्चन, ये बटरफ्लाई वाली बेडशीट आपने कहाँ से ली है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, ये हॉर्स एंड किंडर की है, 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल भी आप देखोगे ना तो इसके शेड्स भी लाइट नहीं हुए हैं, मतलब इट्स दैट ग्रेट। और किंग साइज है, बहुत अच्छे से बेड को कवर करती है ये एंड अमेजिंग है, मतलब मैं तो अभी इसको ही बिछा रही हूँ, ये देखिए। तो मैं अभी इसी को करंटली यूज कर रही हूँ, जस्ट वॉश होकर के आई है तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो ये थी मेरी 5 बेडशीट्स जो मैंने अभी अमेजन से ऑर्डर करी हैं, आई होप आपको पसंद आई होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी इन सब का। तो जो हॉर्स एंड किंडर है इनकी बेडशीट्स मैं काफी टाइम से मंगवा रही हूँ, 100% गो है। अर्बन स्पेस में थोड़ा डाउट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वाली जो बेडशीट है ये पता नहीं मैं रखूंगी या घर ले जाऊंगी, उधर पे वहां बिछाने के काम आ जाएगी। तो यस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।